studiesplus.gov.in, ये आपका यूआरएल है। इस पे आप जो है ब्राउजर पे टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लॉगिन का इन्फॉर्मेशन आपको एक टैब दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे यूडाइस प्लस लॉगिन फॉर एकेडमिक ईयर 22-23। 22-23 के लिए आपके प्रोफाइल प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल की आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अपडेट करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल हम एक कहना है यूजर नेम हम लेते हैं, कोई गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल का ले लेते हैं, वो हम अपडेट कर देते हैं यहाँ पर। उसके बाद कैप्चा डालें, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक स्कूल की जो प्रोफाइल है वो हमारे पास खुल के आ गई है। अब इसमें आपको चीजें आपको दिख रही होंगी कि इंस्ट्रक्शन ऑफ फिलिंग द डीसीएफ, डीसीएफ को भरने का क्या क्या गाइडलाइंस है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी स्कूल वाला जो है वो किस तरह से इंफॉर्मेशन भरनी है वो यहाँ पर अपडेट कर सकता है। यूजर मैनुअल आपका यूडाइस प्लस सॉफ्टवेयर का यूजर मैनुअल क्या क्या है वो आप यहाँ से पीडीएफ के फॉर्म पे अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्लिक हेयर टू ओपन द डीसीएफ टू फिल द डेटा। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा डीसीएफ खुलेगा डेटा को भरने के लिए। अब ये कुछ आपको नोट्स, ये आपको इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नोट बताएगा कि आपको स्कूल का नेम, स्कूल कैटेगरी और आपका लोवेस्ट क्लास, लो टू हाई मैनेजमेंट, ये सब की आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पर कुछ आपको बताएगा। अब ये आप जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये हमारा एक डैशबोर्ड की तरह खुल के आ गया कि इसमें आपको यहाँ पर सेशन, यहाँ पर आपको सेक्शन नंबर, आपको स्कूल का प्रोफाइल, लोकेशन, स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इस तरह की आपके यहाँ पर चीजें दिख के आ रही हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने क्लिक किया नेक्स्ट टैब में, अब ये देखिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे बेसिक प्रोफाइल डिटेल, एस्टेब्लिशमेंट ईयर, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आपका ये रिस्पॉन्सिबल, ये आपका जैसे कि यहाँ पर पूछा जाता है कि जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि किस तरह का है, उसका नाम क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है। अब यहाँ पर स्कूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ईयर ये कब बना था यहाँ पर इसका मेंशन है। उसके बाद उसका आपके पास ईयर ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द स्कूल, किस ईयर में रिकॉग्नाइजेशन आपका मानता आपको मिली है, उसकी आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पर देनी है। अब इसके बाद फिर आपका स्पेशल स्कूल फॉर सेलिब्रेशन है कि नहीं है, वहां पर आपको यस और नो में इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करनी है। स्कूल शिफ्ट वाइज है या नहीं है, जैसे कि सपोज के नाम है आपका आधे टाइम बॉयज चलता है, फिर क्या नाम है आपका गर्ल्स का क्या नाम चलता है, मतलब या तो क्लास वाइज अलग अलग शिफ्ट में स्कूल चलता है, तो इस तरह का नाम सेशन वाइज चलता है, तो इस तरह आपको है तो आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन भरेंगे। उसके बाद आपका फिर ये स्कूल आपका स्किल ट्रेनिंग सेंटर कितना के अलावा रन करता है कि नहीं करता है, इन सब की आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलेगी। अब जैसे कि आपको बताया था कि अब कोई स्कूल है जो माइनॉरिटी मैनेज स्कूल है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर अपडेट करनी है। सपोज यहाँ पर यस करेंगे तो आपको माइनॉरिटी की स्कूल की आ जाएगी, वो आपको अपडेट करनी है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, मीडियम वन, मीडियम टू, मीडियम थ्री, हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत या उर्दू, इस तरह का जो भी आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो आपको अपडेट करना है। उसके बाद ये लैंग्वेज टॉट, क्या क्या लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, मेंशन द मैक्सिमम थ्री लैंग्वेज, कौन कौन सी लैंग्वेज आपके स्कूल में पढ़ाई जाती है, कितने बच्चे के नाम है आपके इन्फॉर्मेशन वो उस लैंग्वेज के हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है। डिस्टेंस ऑफ द स्कूल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज आप देखिएगा, डिस्टेंस ऑफ द स्कूल इन किलोमीटर फ्रॉम द नियरेस्ट गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट एक स्कूल दूसरा स्कूल नियरेस्ट कितने के नाम है, कितने प्रीमिसेस कितने के नाम है उसका दूरी में है उसका, फॉर प्राइमरी स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें आपको
किलोमीटर कितने किलोमीटर पे है वो आपको मेंशन करना है। तो ये आप ये आप पॉइंट डीसीएफ में भी है 1.3.1 पे आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा। तो इसको भी आप एक बार मेंशन कर लीजिए और इसको भी जब आप जाएं ट्रेनिंग करने या ट्रेनिंग देने तो आप ये चीज मेंशन कर लें। अब एक चीज ये भी है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डेज मतलब एकेडमिक मतलब प्रीवियस एकेडमिक ईयर मतलब कितने दिन कहना है पढ़ाई का और कार्य हुआ है तो वो चीज कहना है आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। अब उसके बाद जब आप नेक्स्ट कर लेंगे नेक्स्ट करने के बाद फिर आपको मैनेजमेंट अदर आंगन यहाँ पर आपको आंगनवाड़ी की इन्फॉर्मेशन स्पेशल ट्रेनिंग की इन्फॉर्मेशन वो आपको यहाँ पर अपडेट करनी है आंगनवाड़ी में कि आंगनवाड़ी में कितने आंगनवाड़ी सेंटर नेम ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर उनका नाम उनका कोड। अब नंबर स्टूडेंट इन आंगनवाड़ी सेंटर बॉयज गर्ल्स कितने के नाम है आपके आंगनवाड़ी सेंटर में पढ़ते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। तो ये सब चीजें आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कि हम लोग जो कि डीसीएफ जब भरते हैं तो आपका प्रीफिल्ड होने के कारण वो इन्फॉर्मेशन हम नेक्स्ट नेक्स्ट कर देते हैं और वो इन्फॉर्मेशन पुरानी जो भरी रहती है वही अपडेट होती रहती है। तो इसमें आपको इस बार ब्लैंक कर दिया गया है और जब तक इसको सबमिट नहीं करेंगे तब तक आपकी इन्फॉर्मेशन भरेंगे नहीं जब तक आपकी इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं होगी। इसीलिए अब आप जब भी जाए किसी स्कूल में या किसी से कहना है बात किसी स्कूल के टीचर से बात कर रहे हो या प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं और या डीसीएफ के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आप जरूर उनको अपडेट कराएंगे। अब वेदर द बाल वाटिका इज स्टार्टिंग इन द कोलोकेटेड आंगनवाड़ी यस और नो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है यस और नो है तो ठीक है यस भरिए नो तो आप नहीं नहीं है तो नो भरिए। इस तरह करके आपके आउट ऑफ स्कूल के आपके कितने बच्चे के स्पेशल ट्रेनिंग आपको मिली कितने आपने कितने आउट ऑफ स्कूल बच्चे निकाले कितने मेन स्ट्रीमिंग किए उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर भरनी है। अब नेक्स्ट में यहाँ पर आपको एबिलिटी ऑफ मतलब जो भी आपको फ्री टेक्स्ट बुक टीचर ट्रेनिंग मटेरियल टीएलएम जो भी आपको करंट ईयर में आपको और ग्रेड सप्लीमेंट्री मटेरियल ये सब जो आपको जो क्वालिटी यहाँ से जो क्वालिटी की टीम के द्वारा आपको दिया जा रहा है राज्य स्तर से वो उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको यूडाइज में भरनी है। वो पॉइंट है बिंदु है बट वो भर नहीं रहे तो जिससे क्या हो रहा है कि हमको जब पूछा जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास बहुत ही नेगेटिव वे में आती है। तो जब आपके पास यहाँ पर टीएलएम प्रोवाइड की जा रही है और आपको ग्रेड सप्लीमेंट्री मटेरियल आपको दिया जा रहा है फिर टेक्स्ट बुक दी जा रही है तो अपडेट करने में क्या दिक्कत है। ये तो स्कूल वाइज अपडेट करनी है एक स्कूल को अपडेट करना है इसमें कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। तो इसलिए ये सब चीजें कहना है आपको ध्यान देना है और इसको फिलअप कराना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमारे शिक्षक संकुल जो है क्वालिटी के जो डीसीज हैं और उन सब और जो शिक्षक संकुल है और जो हमारे कहना है एसआरजी है इन सबको ये सब समझाना पड़ेगा कि डीसीएफ में भी की परफॉर्मिंग इंडिकेटर एक है बिंदु जिसमें कि आपको टीचर का क्या नाम है टीचिंग लर्निंग का इंफॉर्मेशन आपको अपडेट करना है। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ लर्निंग आउटकम बेस्ड सॉरी असेसमेंट आइटम वो उसकी इंफॉर्मेशन करनी है। उसके बाद आपके पास एड्स एंड टूल्स लर्निंग के हैं कि नहीं है एड्स एंड टूल्स लर्निंग के क्या नाम है लर्निंग और उनके पास है कि नहीं है वो इनरिचमेंट मटेरियल एक्टिविटीज हो रही कि नहीं हो रही है ग्रुप एक्टिविटीज हो रही कि नहीं हो रही है ये सब की इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट करनी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वहां आपको बता दिया नंबर ऑफ द स्टूडेंट रिसीव ओरिएंटेशन ऑन द साइबर सिक्योरिटी की इनकी ओरिएंटेशन आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है या इन्फॉर्मेशन बच्चे को दिया जा रहा है कि नहीं दिया इन सब की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर अपडेट करनी है की परफॉर्मेंस इंडेक्स में। अब स्कूल की सेफ्टी के बारे में पूछा जा रहा है कि SFDP आपका क्या नाम है स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान डेवलप किया गया है कि नहीं किया गया है आपका जो सेफ्टी ऑडिट हुआ है कि नहीं हुआ है। अब आपका क्या नाम है सीसीटीवी कैमरा लगा है कि नहीं लगा है फायर एग्जीक्यूशन लगा है कि नहीं लगा हुआ है अब नोडल टीचर कोई बना हुआ है सेफ्टी स्कूल सेफ्टी के लिए देखने के लिए और ये सब पॉइंट उठाए जा रहे हैं पीजीआई में और
जो नीति आयोग में, तो ये सब पॉइंट हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, इन सब पॉइंट को भरते नहीं है, तो इन सब पॉइंट को अपडेट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर एक्सपेंडिचर का, और एक्सपेंडिचर का आपके कंपोजिट ग्रांट में आपको एक्सपेंडिचर लाइब्रेरी ग्रांट में मेजर, अब उसके बाद आपका ग्रांट फॉर मेजर रिपेयर में क्या नाम है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, मीडिया कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में कितना हुआ, ट्रेनिंग एसएमसी ट्रेनिंग में कितना हुआ, प्री प्राइमरी लेवल ये आपको कितना ग्रांट मिला, इन सब की इंफॉर्मेशन आपको अपडेट करनी है। अब इस बार आपको ये इंफॉर्मेशन पुरानी रिफिल्ड होके नहीं आएगी, ये आपको अपडेट करना ही करना है, तभी आप नेक्स्ट मॉड्यूल पे अपडेट होंगे, आपको आगे आगे ये नाम है अपडेट करने का मौका मिलेगा। तो आप लोग स्पष्ट रूप से सभी लोग से ये बता दें कि प्रोफाइल का जो बोला गया है, जो आपको भरना है, ब्लैंक कर दिया गया है, प्रीफिल नहीं आएगा, अब उसके बाद आप बिना उसको भरे आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये कुछ चीजें थी जो जो हमने ये नाम है आपको आपको बताई विस्तार में, और जो ये जो आपका डीसीएफ, जो आपका डीसीएफ है, और जो आपका पीपीटी, जो पीपीटी हमने दी है, और उस सारी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे व्हाट्सएप के माध्यम से, आपको मिल जाएगा। तो आप लोग इसको एक बार ध्यान पूर्वक पढ़ लें, और फिर जो जो स्कूल आपको अलॉट हुए हैं उस अलॉट में जाकर इस बिंदु पर बात करें, वार्ता करें और इंफॉर्मेशन अपडेट कराएं।